आज से हजारों साल पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा गर्दभिल सुख और शांति से प्रजा का पालन कर रहा था। अचानक तांत्रिक कापालिक के उकसाने पर आक्रमणकारी शकराज ने उज्जैन पर हमला किया। शकराज ने राजा गर्दभिल को निर्दयता से मार दिया और वहां का राजा बन बैठा। गर्दभिल की रानी बालक राजकुमार विक्रम को लेकर छुपती छुपाती भाग निकली। हम शकराज हैं, किसमें शक्ति हमसे टकराने की? हमसे टकराने वाले को मिट्टी में मिला दो। इधर शकराज ने प्रजा पर जोरदार अत्याचार करना शुरू। खत्म कर दो इसे। शकराज, हम तो बर्बाद हो गए, जरा डरिए भगवान से, डरिए। हम किसी भगवान से नहीं डरते, हमारा भगवान सर्वशक्तिमान कापालिक है। जाओ, ऐसे रात्रियों को समाप्त कर दो। शकराज के अत्याचारों से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। चारों तरफ प्रजा का हाहाकार सुनाई देने लगा। प्रजा को अत्याचारों से छुड़ाने के लिए रानी ने वीर विक्रम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। शकराज के अत्याचारों से दुखी प्रजा किसी उद्धार की प्रतीक्षा करने लगी। बालक विक्रम आदर्श राजा के गुणों के साथ जवान हुआ। अत्याचारियों, बूढ़े पर इस तरह टूट पड़ना कहां की वीरता है? वो क्या देख रहे हो, पकड़ लो इसे। जय मां हर सिद्धि। राजकुमारी मीनाक्षी, राजकुमारी मीनाक्षी के विरुद्ध हथियार उठाने का परिणाम जानते हो? मैं तुम्हारे हर परिणाम को बदल दूंगा राजकुमारी मीनाक्षी। तुमने मौत का डर दिखाकर प्रजा को कायर बना दिया है, लेकिन मैं इसे जीवन का संदेश देकर वीर बनाऊंगा
और उससे मिलकर तुम जैसे अत्याचारियों का सामना करूंगा। हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत करने वाला कौन है तू? विक्रम। हमारा शत्रु विक्रम? हाँ। अब तो यहाँ से वापस जीवित नहीं जा सकता। सिपाहियों, ले जाओ इसे और मारकर शिप्रा नदी में फेंक दो। राजकुमारी मीनाक्षी, याद रखो, जब तक तुम प्रेम को नहीं अपनाओगी, इसी तरह नफरत की आग में जलती रहोगी। याद रखो। ले जाओ इसे। जय मां हर सिद्धि, जय मां हर सिद्धि। आंखें खोलो विक्रम। माँ हर सिद्धि, माँ आप, माँ मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। माँ अब मुझे वो शक्ति दो जिसे पाकर मैं प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को मिटा सकूं। वो शक्ति तुम्हें प्राप्त है विक्रम। दूसरों के दुख दूर करने वाले महान कार्यों से तुम इस योग्य बनो कि 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठ सको और चक्रवर्ती विक्रमादित्य कहला। मुझे वैभव और राज्य की लालसा नहीं है माँ। इस धरती पर मैं फिर से सुख और शांति ले आऊं, यही आशीर्वाद मुझे दो माँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी रक्षा करेगा विक्रम। तुम सत्य और न्याय का मार्ग कभी मत छोड़ना। जय हो माँ। जय कुट्टी माला चंडोला। प्रणाम। गुरुदेव कापालिक प्रकट हो, सुखी रहो। गुरुदेव, हमारे राह के काटे विक्रम को हमने कुचल दिया है। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद। तेरी आशा झूठी है दुष्ट कापालिक। विक्रम तो उगते सूरज की तरह उभर रहा है, वो तेरे पापों की काली शक्ति को मटिया मेट कर देगा। विक्रम मरा नहीं, जीवित है। ये कैसे हो सकता है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहां है विक्रम, दिखाओ। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? ये फिर से जीवित कैसे हो गया? मैंने तो इसे शिप्रा नदी में फिकवा दिया था। शकराज जी, शीघ्र ही अपने सैनिकों को भेजकर इसे समाप्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, अगर ये नहीं मरा तो लोगों को भड़का कर विद्रोह करवा देगा, फिर हमारा क्या होगा गुरुदेव? क्यों भूलती हो मीनाक्षी के कापालिक हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, वो कापालिक जिसे संसार की कोई शक्ति मार नहीं सकती। हमारी मौत का भेद पाना उतना ही मुश्किल है जितना आग से पानी पैदा करना। मेरे प्रिय प्रजाजनों, अब हमें डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पक्ष सत्य और न्याय का पक्ष है और हमें अन्याय और अत्याचारों को मिटाना है। माँ हर सिद्धि का आशीर्वाद हमारे साथ है। शिवराज के सिपाही भाइयों, घबराओ नहीं, डरो नहीं। जय मां हर सिद्धि। Thank you.
पधारिए, पर तो भंजन महाराजा विक्रम पधारिए, हम युग युगों से आप ही की राह देख रही हैं, आइए आपका स्वागत है। यही है वो सिंहासन जिससे हम 32 अप्सराओं का भाग्य जुड़ा है। 32 पुतलियों वाले सिंहासन के साथ आपका नाम अमर हो जाएगा। हजारों साल बाद भी लोग आपको पराक्रमी विक्रमादित्य के रूप में याद करेंगे। Thank you.
तुम सब कौन हो और तुम्हारी ये दशा किसने की? हम स्वर्ग की शापित अप्सराएं हैं। इंद्रदेव ने शंकर भगवान के सामने नृत्य करने की आज्ञा दी। वे हमारे नृत्य पर मुक्त होने लगे तो माता पार्वती ने हमें शाप दिया और हम यहाँ पत्थर की पुतलियां बनकर गिर गई। अब आपके महान कार्यों से ही हमारा उद्धार होगा। पर मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ? मैं आपको पहुँचा देती हूँ, आइए। लक्षण वाले पुरुष के बलि देकर सिद्ध भैरव बनना चाहते हो ना? हाँ, 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 हाँ। वो आ रहा है। कौन है? विक्रम है उसका नाम। विक्रम उज्जैन का वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। वो रहा, देखा? देख लो। हाँ, वही है तुम्हारा बलि पुरुष। अपनी मंत्र शक्ति से उसे नीचे खींचो, खींचो। कोई तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कर रहा है। तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाए? हाँ गुरुदेव। तो सुनो, अभी तक तुम 31 लक्षों वाले श्रेष्ठ पुरुष हो। अगर तुम हमसे परकाया प्रवेश की विद्या सीख जाओ तो तुम 32 लक्षणों वाले पुरुष बन सकते हो और उसके बाद तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तुम चाहते हो ना गुरुदेव? यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो मेरे साथ आओ। आओ विक्रम, ध्यान से देखो, ये मेरा चेला है त्रिम्भु। अब मैं इसके प्राण निकाल कर इस पिंजर में डालूंगा। देखो विक्रम, गुरुदेव,
कुशल कर दे गुरुदेव, गुरुदेव छुड़ाइए गुरुदेव। अब इसके निर्जीव काया में मैं प्रवेश करूंगा और जो परकाया प्रवेश मंत्र मैं बोलूंगा उसे याद रखना। ओम त्रिम ताम शिम चाम पट स्वाहा। देख लिया विक्रम, अब तुम यही मंत्र पढ़कर हमारे शरीर में प्रवेश करो। काम त्रिम श्राम श्रीम फट स्वाहा। अब क्या आज्ञा है गुरुदेव? शाबाश विक्रम, अब तुम विद्या में पूर्ण हो गए हो, अब तुम अपने शरीर में लौट जाओ। त्राम त्रिम श्राम श्रीम फट स्वाहा। गुरुदेव मेरा उद्धार करो, गुरुदेव 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 मेरा उद्धार करो, गुरुदेव मेरा उद्धार करो, गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव इसका तो उद्धार कीजिए। अरुला फट स्वाहा। गुरुदेव विक्रम, अब तुम ये विद्या सीख गए ना? जी गुरुदेव। शाबाश, आओ मेरे साथ, आओ आओ विक्रम। देखो विक्रम, वो सामने वैताल लटका हुआ है, उसे उतार कर मेरे पास ले आओ। पछवाहा। पधारिए महाराज विक्रम, हम आप की प्रतीक्षा कर रहे थे। पधारिए। आगे बढ़ो विक्रम, तेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यही बैताल है, यही उतार लो, इसे ले आओ मेरे पास। ले आओ, ले आओ विक्रम। तुम कौन हो विक्रम? विक्रम, बैताल के चक्कर बिना पड़ो, इसे बात मत करो, वो वापस पेड़ पे लटक जाएगा। जाओ जाओ से मेरे पास चुपचाप ले आओ। महाराज रुकिए, और बिना कुछ कहे मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। इसी में आपका कल्याण और हम 107 प्रेतात्माओं का उद्धार है। आओ। इस आनंद योगी ने मंत्र से विवश करके मुझे उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देना चाहा, लेकिन इस सिद्धवट के नीचे भाग आने की वजह से मैं बच गया और प्रेतात्मा बन के लटक गया। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। ये आनंद योगी उबलते तेल के कड़ाह में डालकर हम दोनों की बलि चढ़ाकर सिद्ध भैरव बनना चाहता है, लेकिन आप मैं जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। जब ये आनंद योगी आपको हवन कुंड की परिक्रमा करने को कहे तो आप आओ, आओ, आओ विक्रम, आओ। गुरुदेव। विक्रम, अब इस वैताल को लेकर इस हवन कुंड के साथ परिक्रमा करो। गुरुदेव, ये परिक्रमा का काम बहुत ही कठिन है, अगर मुझसे जरा से भी भूल हो गई तो मैं इस हवन कुंड में गिर जाऊंगा। आप कृपा करके मुझे परिक्रमा करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे। अच्छा विक्रम, देखो
गौर से देखो, हम जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसे ही करो, वैसे ही करो। मैं मुक्त हो गया। महाराज, बरसों बाद मुक्त हुआ हूं मैं। महाराज विक्रम की जय हो। मेरी नहीं, माँ हर सिद्धि की जय कहो। माँ हर सिद्धि की जय हो। पुटीमाला चंडोला, अब हमें कोई नहीं मार सकता। इतना क्यों खिलखिला रहा है? क्या बात है? अब मुझे अपनी मुक्ति सामने दिखाई दे रही है। सच्चाई को शक्ति का सहारा मिल गया है, विक्रम को वैताल मिल गया है। क्या कहा? विक्रम फिर बच गया? हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विक्रम तेरी मौत बनकर आया है। बको मत, हम जानते हैं हमें कोई नहीं मार सकता। ये मत भूल कापाले कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। वैताल में तुझसे कम शक्ति नहीं है, और उसी शक्ति के सहारे विक्रम एक दिन तुझे समाप्त कर देगा। चुप रहो। अगर आप मुझे उस आनंद योगी के चंगुल से न छुड़ाते तो मैं अब तक उसी सिद्धवट पर प्रेत बना लटका रहता। तो यही है दुष्ट शकराज के सैनिक। अब देखिए महाराज, मैं कैसे इन चूहों को मजा चखाता हूँ। अरे, ये घोड़े पर कौन जा रहा है? पागलों की तरह किससे बातें कर रहा है? अरे, ये तो विक्रम है। चलो। अब महाराज आप तमाशा देखिए। लगा जोर। क्यों, क्या हुआ? वाह वैताल, वाह, कमाल है वैताल। Ha 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 ha!
देखा महाराज मेरी शक्ति का चमत्कार। अरे वैताल तुम में तो अद्भुत शक्ति भरी है। महाराज अब ये शक्ति आपकी सेवा में काम आएगी। जिस तरह हनुमान श्री राम की सेवा किया करते थे उसी तरह मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। अच्छा वैताल अब तुम जाओ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। रुक जा बेटी, रुक जा बेटी, रुक जा बेटी, रुक जा बेटी, पापा नहीं बेटी, रुक जा, मुझे जाने दो बापू। रुक जा बेटी, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक जाओ, क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। आत्महत्या कायरता है बहन, क्या हुआ बाबा, क्या बात है? महाराज विधि के लेख में लिखा है कि इस लड़की के साथ जो भी पुरुष विवाह करेगा उसकी मृत्यु विवाह मंडप में ही हो जाएगी, और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो विवाह ही नहीं होगा और उनके प्राण बच जाएंगे। बहन आत्महत्या का विचार छोड़ दो, ये विक्रम तुम्हें वचन देता है कि यमराज स्वयं आकर भी तुम्हारे पति के प्राण नहीं ले सकते, मैं उनके प्राणों की रक्षा करूंगा। बाबा आप इसके विवाह की तैयारी कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी, अरे बेटा स्वामी, अनाज ने तुझे घसी दिया। स्वामी मैं कितनी अभागन हूँ, विक्रम के झूठे वचन पर भरोसा करके मैंने आपकी जान ले ली। स्वामी मैंने आपकी जान ले ली। कहाँ गया तुम्हारा वचन, कहाँ गई तुम्हारी वीरता? अगर मुझे मरने दिया होता तो आज विधवा होकर मेरे पति का मुंह देखने के पाप से तो बच जाती। बोलो क्यों नहीं मरने दिया मुझे, क्यों नहीं मरने दिया? मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। नहीं बहन, नहीं ऐसा ना कहो बहन, ऐसा ना कहो बहन, तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, पर विश्वास रखो बहन मैं तुम्हारे सुहाग को आंच नहीं आने दूंगा, मरकर भी अपना वचन निभाऊंगा। बहन माता हरसिद्धि की शपथ लेकर कहता हूं कि आने वाली पूर्णिमा तक मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटा लाऊंगा, और अगर मैं ऐसा न कर सका तो चिता पर तुम्हारे साथ मैं भी जीवित जल जाऊंगा। ये विक्रम का वचन है बहन, ये विक्रम का वचन है। दीदी, दीदी। बापू। महाराज कौन? मैं जला जा रहा हूँ, मेरी आग शान कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नागराज मैं तुम्हें आग शान करने का उपाय बताता हूँ।
वो देखो सामने विक्रम आ रहा है। विक्रम? उससे कहो वो तुम्हें अपने पेट में जगह दे। महाराज विक्रम की जय हो, महाराज विक्रम की जय हो, महाराज विक्रम की जय हो, दुहाई विक्रम महाराज दुहाई। ओहो नागराज, ये कैसा संयोग है, मैं उस बेचारे दूल्हे को फिर से जीवित करने के लिए आप जैसे नागराज को ही ढूंढ रहा था। बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए। कहिए क्या आज्ञा है? महाराज मैं जला जा रहा हूँ, पहले आप मुझे अपने पेट में जगह देकर मेरी ज्वाला शांत कीजिए। नागराज मैं आपकी ज्वाला शांत करूंगा, आइए मेरे पेट में जगह। जान बूझ कर विष की ज्वाला पी और रोग लगाया, स्वयं भले मिट जाए मगर तू जग का दुख हरेगा। पर दुख भंजन नर समानता तेरी कौन करेगा, पर दुख भंजन नर समानता तेरी कौन करेगा। आओ राजकुमारी मीनाक्षी आओ। तुम ये जानने आई हो ना कि विक्रम का क्या हुआ? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लगाओ कभी छिप नहीं सकता राजकुमारी। लगाओ? कैसे लगाओ, मुझे उसे कोई लगाव नहीं, ये झूठ है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बुराई के पुतले कापाली का साथ देना अब तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारा मन पुकार पुकार के कह रहा है कि विक्रम का रास्ता ही सही रास्ता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मीनाक्षी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आप कहाँ गए थे? आओ मीनाक्षी हम तुम्हें दिखाते हैं, देखो मैंने विक्रम की क्या हालत कर दी है। समापन बात सोला जो हमसे टकराता है हम उससे इसी तरह तड़पा तड़पा कर समाप्त करते हैं। विक्रम भी ऐसे ही मरेगा। मीनाक्षी विक्रम की हालत किसने की? तुमने। तुम्हारा मन जानता है कि तुम पहली झलक के साथ ही विक्रम से प्यार करने लगी हो। अपने प्रेमी को क्या इसी तरह दुख दिया जाता है? तुमने ऐसा पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। महाराज 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 ये क्या दशा हो गई आपकी, ये सब कैसे हुआ महाराज? ये दशा मैंने खुशी खुशी स्वीकार की है वेताल। खुशी खुशी स्वीकार की है? किस लिए महाराज? मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है वेताल, दूसरों के दुख मिटाना, और इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आपकी जगह मैं कष्ट उठाकर लोगों के दुख दूर करूंगा, लेकिन मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती महाराज। इस हालत में मुझे कोई दुख नहीं है वेताल, मुझे तो खुशी है कि मैं किसी को दिया हुआ वचन निभा सकूंगा। लेकिन महाराज मेरी चिंता न करो मित्र, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। महर्षि से प्रार्थना करो कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊं। लेकिन महाराज जाओ वेताल जाओ। महाराज नंद की जय। महाराज नंद की जय हो, महाराज नंद की जय हो। महाराज ये किसान लगान देने से इनकार कर रहे हैं। हमारी आज्ञा का विरोध करने के अपराध में तुम्हें दंड दिया जाएगा। सेनापति इनके खेत जब्त कर लो और इन्हें हमारे राज्य से निकाल दो। नहीं महाराज नहीं, हम भूखों मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे बेमौत मर जाएंगे महाराज, दया करो महाराज। सेनापति ले जाओ इन्हें हमारे सामने से। नहीं महाराज नहीं, नहीं महाराज नहीं नहीं। ये क्या नहीं, हो रहा है, छोड़ दो इसे। ये क्या कर रही हो बहन? पिताजी राज्य का काम प्रजा का पालन करना है, उस पर अत्याचार करना नहीं। महानंदा ये बात हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हमें राजकाज सिखाने की कोशिश मत करो, ले जाओ इन्हें। पिताजी अगर अन्याय होगा तो मैं इसका विरोध करूंगी। हमारी बेटी होकर हमारा ही विरोध करोगी तुम? तुम राजकुमारी इसीलिए हो क्योंकि हम राजा हैं, हमारी दया पर ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा भाग्य है। क्षमा कीजिए पिताजी, हर किसी का अपना भाग्य होता है,
और अपने किए हुए कर्म। कोई किसी दूसरे के भाग्य पे नहीं जीता। इसका मतलब हुआ कि तुम हमारे भाग्य से राजकुमारी नहीं हो। महलों का सुख तुम हमारे भाग्य से नहीं भोग रही हो। नहीं पिताजी, जो सुख मैं भोग रही हूँ वो मेरे भाग्य का फल है, क्योंकि हर मनुष्य का भाग्य स्वतंत्र होता है। अच्छी बात है, अब हमें ये सिद्ध करना ही होगा कि तुम हमारे भाग्य से ही राजकुमारी हो। महामंत्री जी, कल सुबह महानंदा का विवाह होगा। महाराज, इसका पति वो पुरुष होगा जो कल सुबह पहले पहल नगर के उत्तर द्वार से प्रवेश करेगा। महानंदा को उसी के गले में वरमाला डालनी होगी। तब हम देखेंगे कि ये अभिमानी लड़की किसके भाग्य से जी रही है, हमारे या अपने। पिताजी, बहन की जरा सी बात पर इतना कठोर निर्णय मत लीजिए। नहीं, हमारा निर्णय अटल है। बहन, अपनी जिद छोड़ दो। नहीं, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगी और अपने भाग्य की परीक्षा लूंगी। ये क्या, मेरे गले में वरमाला? कौन हो तुम सुंदरी? मैं आपके चरणों की दासी। हा? महानंदा हूँ स्वामी। विधाता ने आपको मेरी परीक्षा लेने भेजा है। नहीं, मेरे साथ नाता जोड़कर तुम क्यों अपना जीवन नष्ट करना चाहती हो? सुहाग सिंदूर के बदले तुम क्यों स्मशान की राख अपनाना चाहती हो? स्मशान की राख नहीं, आपके रूप में अमर सुहाग मिला है मुझे। आइए स्वामी, हम पिताजी का आशीर्वाद लें। आइए पिताजी। स्वामी, स्वामी। महानंदा, तुम्हारे भाग्य का खेल अब खत्म हुआ। महाराज नंद की राजकुमारी महानंदा का पति ऐसा काला कलूटा कुरूप नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, इनके लिए ऐसा अपशब्द मुंह से मत निकालिए, ये जैसे भी मेरे स्वामी हैं। बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू हमारी बात मान ले, तू इसे भूल जा। हम तेरा विवाह किसी सुंदर राजकुमार से करा देंगे। नहीं पिताजी, ये कभी नहीं होगा। स्वामी उठिए। स्वामी, बहुत अपमान हो चुका है आपका और मेरा, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए चलिए स्वामी, चलिए स्वामी। अटल विधान विधाता तूने यहाँ रचा है, कैसा अटल विधान विधाता तूने यहाँ रचा है। राज दुलारी कैसा तेरा अजब सुहाग सजा है, कैसा अटल विधान विधाता। दोनों ने अपना जीवन होनी को सौंप दिया है, जानबूझकर दोनों ने कांटों का मार्ग लिया है, जानबूझकर दोनों ने कांटों का मार्ग लिया है। अब है परीक्षा सती के सत की, प्राणों की शक्ति की। अब है परीक्षा किसी के प्रण की और पति भक्ति की। जाने किधर डगर है सुख की, जाने कहाँ बसेरा। हाय विधाता तूने इनको किस संकट में घेरा, अब तो लगता अंधकार ही, अब तो लगता अंधकार ही चारों ओर बसा है। राज दुलारी कैसा तेरा जब सुहाग सजा है, कैसा अटल विधान विधाता। मगर हार नहीं मानेंगे ये,
चाहे जो दुख आए, त्याग और बलिदान इन्होंने जीवन में अपनाए। ये भी देखेंगे दुख कितना तेरे पास बचा है, राज दुलारी कैसा तेरा जब सुहाग सजा है, कैसा अटल विधान विधाता। घर संसार बसाने के लिए चार हाथों की आवश्यकता होती है। स्वामी स्वामी स्वामी, आप मुझे अपने कष्ट बताते क्यों नहीं? स्वामी आप क्यों छुपाते रहते मुझसे? आपके ये कष्ट मिटाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ स्वामी। ये कष्ट मुझ तक ही रहने दो, पहले क्या कम दुख दे रहा हूँ मैं तुम्हें? ऐसा मत कहिए। पल पल विष का जोर बढ़ रहा, तड़प तड़प रह जाए, उपकारी विक्रम पे विधाता क्या क्या दुख बरसाए। अब तो मित्र की पीड़ा नहीं वैताल से देखी जाए, चला मनाने माता को कैसे ये संकट जाए। माँ महाराज विक्रम का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता, वो तो तुम्हारे परम भक्त हैं और संकट समय में तुम ही ने उन्हें बचाया है, उनका साथ दिया है, तो अब उनका ये असह्य कष्ट भी मिटा दो माँ। माँ मैं तुमसे विनती करता हूँ, उनका ये दुख दूर करो। माता का मन द्रवित हुआ और चमत्कार दिखलाया, प्रगट ज्योति से नाग किया जो विक्रम के घर आया। उसने पुकारा छुपे नाग को और वो बाहर आया, माँ ने सुनी भक्त की विनती सती को ध्यान दिलाया, माँ ने सुनी भक्त की विनती सती को ध्यान दिलाया, सती को ध्यान दिलाया। आओ नागराज, तूने मुझे क्यों याद किया? जिस मनुष्य ने तुझे दया करके अपने पेट में जगह दी उसकी तूने ये क्या दशा कर दी? जानता नहीं ये महाराज विक्रम है? महाराज विक्रम? जानता हूँ। जानता है तो फिर इनके पेट से निकलकर बाहर क्यों नहीं चला जाता? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मुझे विक्रम के पेट में शांति मिलती है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि तुझे मार देने से महाराज विक्रम फिर से अपने असली रूप में आ सकते हैं तो कितना अच्छा हो। ये बात किसी को कैसे मालूम होगी? मैं विक्रम के पेट में ही रहूंगा, मुझे वहीं शांति मिलती है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। स्वामी, 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 आप ठीक हो गए स्वामी? स्वामी, स्वामी आप, स्वामी, स्वामी आप ठीक हो गए? स्वामी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे महान पति मिले हैं। आगे की लड़ाई में मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। पर महानंदा, हाँ? ये सब हुआ कैसे? जिस शहरी नाग ने आपको कुरूप किया था उसे मैंने समाप्त कर दिया। जिस नाग को मैंने भरोसा दिलाकर शरण दी थी उसी के साथ ये धोखा? ये धोखा नहीं है, यही न्याय था। जब मुझे पता चला कि उसे मार देने से आप अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे तो उसे समाप्त कर देना मेरा कर्तव्य था। तो अब मेरा कर्तव्य भी सुन लो महानंदा। उस नाग के मृत शरीर के साथ मैं जीवित जल जाऊंगा, यही इस पाप का प्रायश्चित है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? महानंदा मेरे लिए चिता सजाओ। शरणागत का वचन निभाने विक्रम चल जाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए ये प्रण आज निभाएंगे, जाए पर वचन न जाए ये प्रण आज निभाएंगे।
विक्रम, तुमने अपनी महान कीर्ति के अनुसार महान कार्य किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। नाग माता, तुमने हमारे बेटे नागकुमार को अपने पेट में जगह देकर उसकी ज्वाला शांत की और सती महानंदा ने उसे समाप्त करके उसे नाग योनि से छुड़ाया। अब वो अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। प्रणाम माँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए माँ। इन दोनों का उपकार मानो पुत्र। विक्रम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? नाग माता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए माँ। मृत्युशैया पर पड़े हुए एक मनुष्य को फिर से जीवित करने की मैंने प्रतिज्ञा की है, मुझे उपाय बताइए। लो ये संजीवनी मणि, लो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। माँ, प्रणाम माँ। माँ, अरे वैताल, श्री राम ने याद किया और हनुमान उपस्थित। वैताल, वाह महाराज, आप तो पहले से भी अधिक सुंदर लग रहे हैं। क्या किसी सुंदरी की छाया आप पे पड़ गई? हाँ वैताल, एक अतीव सुंदरी मेरे जीवन में सौभाग्य का उपहार लेकर आई है और वो है तुम्हारी भाभी महानंदा। भाभी महानंदा? माँ, माँ तुम्हारी कृपा से मेरे सब दुख सुख में बदल गए। माँ धन्य हो, माँ धन्य हो। माँ, 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 ये सब कैसा हो गया? माँ, माँ, ये सब। शुभागमन भाभी, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वामी, आप मुझे भाभी पुकार रहे हैं? नहीं तो। अरे वाह भाभी, अपने देवर को नहीं पहचानती आप? ये आवाज कहाँ से आ रही है स्वामी? महानंदा, ये तो अपने वैताल की आदत है छेड़छाड़ करने की। वैताल, अब बहुत हो चुका ये खेल, अपनी भाभी को दर्शन दो। नमस्कार भाभी। ओ, तो तुम ही हो मेरे चमत्कारी देवर। मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। लेकिन मैं मिठाई कहाँ से लाऊं? उसकी चिंता तुम मत करो भाभी। ये ये लीजिए। अरे वैतन, अभी भी तुम्हारा पेट भरा नहीं? सारे के सारे लड्डू खा गए। महाराज, इतने लड्डू से क्या होता है? देखो वैताल, मुझे जल्दी ही संजीवनी मणि लेकर उस दूल्हे के पास पहुंचना है। हाँ तो अभी चलिए भाभी। हाँ? मैं आपको भी आकाश की सैर कराता हूँ, चलिए। क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? वो देखिए। जय मां हर सिद्धि, जय मां हर सिद्धि। स्वामी, स्वामी। महाराज, आप पर दुख भंजन है। महाराज, आप धन्य है। Hey!
Thank you.
मैं जाकर शकराज और कापाली को समाप्त कर देता हूं, चाहे मेरे प्राण रहे या जाए। ये क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्यों हंसते हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मायावी हो तो प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा, गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा। कहां आप और कहां मैं? कहां हाथी और कहां चींटी? कहां शेर और कहां चूहा? कहां आप शक्तिशाली कापालिक और कहां मैं तुच्छ कष्ट योगी? कष्ट योगी? ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, पहले हमारे पैर छोड़ो, फिर बात करो। गुरुदेव, अब तो ये चरण तब छोड़ूंगा जब आप मुझे शरण देंगे। आप केवल इतना कह दीजिए कि आपने मुझे अपना शिष्य बना लिया। गुरुदेव, तुम्हारा पूरा परिचय पाए बिना तुम्हें शिष्य बनाकर क्या हमें अपनी मौत बुलानी है? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या आप आनंद योगी की भयानक मौत को भूल गए? गुरुदेव, किस निर्दयता से उस दुष्ट विक्रम ने उन्हें उबलते तेल के कड़ा में फेंक दिया था? गुरुदेव, उस आनंद योगी का मैं मुख्य शिष्य हूँ। गुरुदेव, और उस दिन के लिए तड़प रहा हूँ जब मैं विक्रम से अपने गुरु की मौत का बदला ले सकूं। गुरुदेव, मुझे अपनी अमरता का रहस्य बता दीजिए ताकि मैं वैताल से टकरा टकरा कर भी न मरूं। गुरुदेव, तो क्या तुम भी विक्रम वैताल को मारना चाहते हो? तब तो हम तुम्हें अवश्य अपना शिष्य बनाएंगे। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आप मुझे भी अपनी तरह अमर बना दीजिए ताकि मैं आपके सारे कष्ट मिटा सकूं। कष्ट योगी जी महाराज, हम तभी तक अमर हैं जब तक पंचदन एक ही जगह एकत्र नहीं होते। ये तो असंभव है। किसमें इतनी शक्ति है कि पंचदंड एक साथ एक जगह जमा करे? लेकिन लेकिन गुरुदेव, ये पंचदंड है कहाँ? इसका रहस्य हमारे सिवा केवल मीनाक्षी जानती है। लेकिन तुम पहले अपनी शक्तियां सिद्ध करो। अच्छा। मूर्ख, जानता है वो कौन था? वो वैताल था जो तेरी मौत का भेद जानकर चला गया। वैताल, तूने मुझे धोखा दिया। महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, हमारे रास्ते के कांटे कापाली को उखाड़ फेंकने का रहस्य मैंने जान लिया है। महाराज, क्या है वो रहस्य? महाराज, रहस्य तो मीनाक्षी के पास है, लेकिन भाभी, इसके लिए महाराज को प्रेम का नाटक रचाना पड़ेगा। प्रेम का नाटक? मैं समझा नहीं वैताल। समझना तो इतना ही है महाराज कि आप फौरन मीनाक्षी के पास चलिए और किसी भी तरह पंचदंड का भेद जान लीजिए। Mm-hmm.
भी नहीं संसार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में पायल में छमछम जैसे सांसों में सरगम पायल में छमछम जैसे सांसों में सरगम खोया मैं ऐसे तेरे प्यार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में मदसानी साधा निगा मदनीनी सदा निगा मग सगमा मम मदद दद सा 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 रे 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 निदपा गग गग पप पप नी 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 सा 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 दपमा सा दपमा चुंबक भरी तेरी चितवन खींचे तेरी और तन मन चुंबक भरी तेरी चितवन खींचे तेरी और तन मन तेरे सिवा मुझे और न कुछ दिखे तेरे सिवा मुझे और न कुछ दिखे जादू है क्या तेरे सिंगार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में का अमृत मिलेगा दिल का कमल तब खिलेगा होठों का अमृत मिलेगा दिल का कमल तब खिलेगा अपना तुम मान लो जीवन वरदान दो अपना तुम मान लो जीवन वरदान दो कचला मन आंचल के तार तार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में पायल में छमछम जैसे सांसों में सरगम पायल में छमछम छम जैसे सांसों में सरगम खोया मैं ऐसे तेरे प्यार में तेरा बदन तेरा यौवन और कुछ भी नहीं संसार में Thank you.
पहचान लिया था कि तुम विक्रम हो। मीनाक्षी, तुम्हारी आंखों में छलकता हुआ प्यार मुझसे भी छुपा न रहा। क्या तुम्हें इस तरह शत्रुओं के घेरे में आते हुए डर नहीं लगा? अगर इस समय मैं तुम्हें पकड़कर कारागार में डाल दूं तो? मीनाक्षी, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तुम अपने मन के कारागार में मुझे हमेशा के लिए बंद कर लो। याद है जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था तब मैंने क्या कहा था? प्यार शत्रु को भी मित्र बना देता है। प्रेम की जो लहर उस दिन तुम मेरे मन में जगा गए थे उसने मुझे भी बहुत बेचैन किया है विक्रम। जब जब तुम्हें मिटाने की कोशिश हुई मेरे मन ने मुझे कोसा, धुतकारा। आज तुमसे मिलने पर ही मुझे वो चैन मिला है जो जीवन में आज तक मुझे नहीं मिला। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये चैन तभी बना रह सकता है जब प्रजा पर अत्याचार करने वाले कापालिक को समाप्त करने में तुम मेरी मदद करो। जब तक उसके छुपाए हुए पांचों दंत एक साथ कोई जमा न करे तब तक कापालिक मर नहीं सकता और ऐसा करना असंभव है विक्रम। मीनाक्षी, मैं असंभव को संभव बना दूंगा। बताओ वो पंचदंत कहाँ है? मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। तू यहाँ भी आ गया ताकि इस लड़की को बहका कर हमारी मौत का भेद जाने। हाँ, क्योंकि तेरी मौत प्रजा की सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। चुप रह, हम तुझे इसी वक्त मौत की खाई में धकेल देंगे। मीनाक्षी, जानती है तेरे साथ प्रेम का खेल खेलने वाला ये आदमी कौन है? पकड़ लो इसे। वेताल, वेताल तुम कहाँ हो? कहाँ हो वेताल? वेताल, क्या सोच रहे हो? भाभी, महाराज मुझे याद कर रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में, मैं जा रहा हूँ। इलता कुचा डाला पकूर अजबाला। आओ वेताल, आओ वेताल, अरे मुझे खींच रही, मैं वापस जा रहा हूँ। वेताल, अब शीशी में तुम बंद है। अब विक्रम की मदद तुम्हें नहीं करता। सुखराज जी, गुरुदेव अपराधी को दंड दो।
जिन आंखों ने राजकुमारी मीनाक्षी को वास्ता भरी दृष्टि से देखा है उन आंखों को फोड़ दो जाओ। जिन हाथों ने उन्हें छूने का अपराध किया है उन हाथों को काट कर फेंक दो। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया आपको? स्वामी क्या हो गया आपको? स्वामी किसने किया आपकी ये दुर्दशा? स्वामी नहीं, जब तक मेरे सांस में सांस है मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा। देवी माँ, जिस वीर विक्रम को तूने सफलता का आशीर्वाद दिया था क्या आज वो इस तरह? नहीं माँ, नहीं माँ, दया करो माँ, माँ दया करो। जग का ये सेवक माता नाता निभा।
महानंदा, देखो मेरे हाथ, मेरी आंखें। स्वामी, 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 आप ठीक हो गए स्वामी? आपकी आंखें, आपके हाथ, स्वामी, स्वामी, माता ने मेरी लाश रख ली स्वामी। माँ, तेरे उपकार अपार है माँ, तेरी कृपा से हम धन्य हो गए। माँ, तुम्हारी कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माँ। महानंदा, हाँ? अब मुझे वैताल को छुड़ाने के लिए जाना होगा। विक्रम को मारना तेरे बस में नहीं है कपालिक, तुम लाख कोशिश करते रहो, उस पर मंत्र चलाते रहो, लेकिन विक्रम बचता रहेगा और तुम पर वार करता रहेगा। बको मत, विक्रम को अभी तक चील और कब्बों ने खा लिया होगा। सती महानंदा के सतीत्व के कारण उसका बाल भी बांका न हुआ। माँ हर सिद्धि ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मैं महानंदा को और उसके सतीत्व को भी देख लूंगा। दुख भंजन महाराजा विक्रम पधारी। कौन है? मैं दुष्ट कापालिक का गुरु भाई संजीवन हूं। उसने धोखे से मुझे यहां लटका रखा है और उसी ने वैताल को भी शीशी में बंद कर रखा है। लेकिन घबराइए मत, उसे छुड़ाने का उपाय मैं आपको बताऊं। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? क्या वैताल होगा? वैताल, वैताल महाराज, महाराज, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कई दिनों से मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ, मेरा तो दम घुटा जा रहा है महाराज, कुछ कीजिए जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। विक्रम, मेरा क्या? तूने वैताल को छुड़ा लिया है, मैं तुम दोनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। चलिए महाराज। हाँ महाराज, कितने दिनों बाद आकाश का खुला वातावरण मिला है। हाँ। आइए महाराज, चलिए महाराज, हर संकट से छुड़ाने वाली माँ हर सिद्धि के भी दर्शन कर लें। ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, हमारा इकलौता बेटा काशी से पढ़कर लौट रहा था, शकराज के अत्याचारी सैनिकों ने उसे अकारण मार दिया महाराज, हम उसका मुंह तक देख न पाए महाराज। अब बेटे के बिना हमारा जीवन मौत से भी बुरा है, हमें मरने से न रोकिए महाराज। माँ, जन्म मरण चक्र विधाता का अटल विधान है, देर सबेर एक दिन सबको यह शरीर छोड़कर जाना है। नहीं महाराज,
हम अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते महाराज, हमें मरने दीजिए महाराज, हमें मरने दीजिए। देखिए, मैं कुछ समय के लिए आपको अपने पुत्र से मिला सकता हूँ। सच महाराज, हम अपने पुत्र को जीवित देख सकेंगे? निश्चित, परंतु एक शर्त। शर्त? हाँ। कौन सी शर्त? उसे मिलने के बाद आप उसका मोह छोड़ देंगे, उसके आत्मा को शांति से लौट जाने देंगे। हमें स्वीकार है महाराज। तो ठीक है, आप अपने घर जाइए, आपको अपना पुत्र जीवित मिलेगा। महाराज। जय हो। वैताल। महाराज, इन बूढ़े माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए मैं इनके बेटे की काया में प्रवेश करूंगा। मैं लौटू तब तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। जो आज्ञा महाराज। ओम त्राम त्रिम श्राम श्रीम फट स्वाहा। बेटा। माँ। बेटा। माँ। पिताजी। बेटा। कुट्टी माला चंदोड़ा, ये चबूतर साल जुआ, मायाविनी प्रकट हो। मायाविनी, मंदिर के बाहर वैताल विक्रम के शरीर की रक्षा कर रहा है, तुम अपना जादू चलाकर उसे विक्रम के शरीर से दूर करो। जाओ जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जा, मेरी तू पासा
लिख समझ गया, तो ये सारी चाल तेरी थी, महाराज विक्रम के शरीर के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, लौट करा, अब तेरी खैर नहीं। स्वामी आप बोलते क्यों नहीं, क्या बात क्या है? अब बोलना क्या ना? अब तो हृदय की आग शांत करना। तुम मेरे स्वामी नहीं हो, कौन हो तुम? नहीं नहीं नहीं, आ, बचाओ, छोड़ो मुझे। कौन बचाता है? देखता हूँ। बचाओ। आ, नहीं, 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 छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, 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 बचाओ मुझे, छोड़ो, नहीं, पापी, छोड़ो, नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। माँ मेरी रक्षा करो। कापालिक, अब तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा, तुझे अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। अरे तू तो क्या, स्वयं भगवान भी मुझे नहीं मार सकता। ऐसा? अरे और देखा, मैं अमर हूँ। बेटे बचन दो, अगले जन्म में भी पुत्र के रूप में मिलोगे, मिलोगे ना? अवश्य मिलूंगा माँ, अवश्य। वेताल? महाराज क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज आपने आने में इतनी देर लगा दी, इस बीच कापाली कई चाले चल गया महाराज। मैंने उस दुष्ट को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन वो बच निकला, और जब तक वो जिंदा है महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। वेताल अब उसे समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। हाँ महाराज, और उस उद्देश्य को सफल करने के लिए मैं किसी भी तरह मीनाक्षी को आपके पास ले आता हूँ। विक्रम, विक्रम, मैं कैसे निकलूं यहाँ से? मैं जानती हूँ मुझसे वो भेज जाने बिना तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पर मैं कैसे पहुंचूं तुम तक समझ में नहीं आता। राजकुमारी मीनाक्षी? हाँ, कौन कौन? तो आप ही हैं राजकुमारी मीनाक्षी। कौन हो तुम? मैं हूँ वैताल। कौन
बेटा। इतने अधीर न हो राजकुमारी, मैं आपको इस महल की कैद से छुड़ाने आया हूँ। चलने को तैयार है ना आप? पर कहाँ? वहीं जहाँ आपके मन का चैन बसा है। महाराज विक्रम ने आपको याद किया है। महाराज विक्रम कहाँ है वो? जहाँ वो है वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए। मीनाक्षी, कापालिक का नाश करने के लिए पंचदंड का भेद तुम ही बता सकती हो, और इसीलिए मैंने वेताल को भेजकर तुम्हें यहां बुलाया है। महाराज, कापालिक ने देवदमनी को चार दंड दिए थे। उनमें से पहला दंड आचार्य सोमदत्त के आश्रम में मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। उसकी चिंता आप न करें महाराज, मैं आपको आचार्य सोमदत्त के आश्रम में ले चलूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महाराज, यही आचार्य सुंदर का आश्रम। अरे, लेकिन यहाँ तो सब बच्चे ही बच्चे हैं। पहला दंड पाने के लिए महाराज आपको बालक बनना पड़ेगा। बालक? हाँ। ओम दुर्गा मुद्रक्षी तलखो पाखी इतने हंसु दुर्गक्षी का तकाबो शत्रु ग्रहतर हो सुना। अरे वेताल, ये तुमने क्या किया? महाराज जरा सावधानी से देखते रहिएगा, वो देव दमनी कहाँ है और पहला दंड कहाँ है, समझे? हाँ वेताल। चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। आचार्य जी। गुरु आचार्य जी, मेरे इस बालक को आपकी छत्र छाया में लीजिए आचार्य जी, और विद्या सिखाइए। आप निश्चिंत रहिए। देखो बेटा, आचार्य जी का कहा मानना, समझे? समझे? चौसठवां बालक आ गया है, अब मेरी सिद्धि पूरी होगी। बलि की भूख मिटाने के लिए चौसठवां बालक आ गया है, आप सबका भक्षण करके मुझे भी बड़ी जोगनी बना दीजिए। अरे मूर्ख देव दमनी, हमें मालूम है
कि 64वां बालक आ गया है, लेकिन तू ये बता कि वो कहाँ है। मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ पाठशाला में बेहोश करके सुला दिया है, आप चलिए। अरे अपने साथ साथ तू मुझे भी मूर्ख बना रही है। मैं समझी नहीं। चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ ये बालक नहीं विक्रम है जो हमारी मौत बनकर यहाँ आया है। तू हमारा काल लेकर आई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा इस जोगन के प्राण उस मैना में हैं। उस मैना को पकड़ कर उसकी गर्दन मरोड़ दो, ये पापन मर जाएगी। अच्छा हाँ, जल्दी जाओ। महाराजा विक्रम की जय हो, महाराजा विक्रम की जय हो। कापालिक ने हम चार बहनों को चार दंड सौंप कर पाप के पहरों में फंसा रखा है। मैं पहली देवदमनी आपकी मदद से मुक्त हुई हूँ, ये लीजिए। अब बाकी के तीन दंड प्राप्त करके मेरी तीन बहनों का भी उद्धार कीजिए महाराज। दूसरी देवदमनी मुझे कहाँ मिलेगी? सुना महल में। वेताल महाराज मिल गया पहला दंड। महाराज अब दूसरे के लिए सोना महल पहुंचना होगा। चलिए सोना महल, चलिए महाराज। कुटिमारा चंडौला, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? विक्रम ने पहला दंड प्राप्त कर लिया, देखता हूँ वो दूसरा दंड कैसे प्राप्त करता है। माँ जय माँ हरसिद्धि माँ। माँ महाराज विक्रम की विजय यात्रा सफल करना, उन पर कोई भी संकट ना आने पाए, यही प्रार्थना है तुमसे माँ। हरसिद्धि माँ, मेरे स्वामी को कार्य में सिद्धि देना, सत्य और न्याय को ही सहारा देना माँ। अरे वैताल महाराज, ये कैसा नगर है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। यही सोना नगर है महाराज, और यहाँ पर हर कदम पर सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए महाराज। Thank you.
मैं इन भूतों को संभालता हूं, देख लेता हूं। आ, ये ले, ये ले। आओ, आओ, आओ। महाराज विक्रम, महाराज आप ठीक जगह पर पधारे हैं, दूसरा दंड आपको यही मिलेगा। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? महाराज विडाल राक्षस ने मेरी ये दशा की है। तुम्हारी सूरत तो बिल्कुल दिव्या देवदमनी जैसी है। हाँ महाराज, देवदमनी के हमारे चार रूप एक ही आत्मा के हैं। वो दूसरा दंड कहाँ है? विडाल राक्षस ने वो दंड मुझसे छीन लिया है। लेकिन वो दंड उसके पास से मुझे कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको विडाल राक्षस को समाप्त करना होगा। चुप जाइए महाराज, वो आ रहा है। धन्य हो महाराज, आपने इस विडाल राक्षस को मारकर मेरा उद्धार किया। ये लीजिए। अब मुझे ये बताओ कि मुझे तीसरा दंड कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको पाताल लोक जाना होगा। कैसे? इस दंड से धरती पर रेखा खींचिए, पाताल लोक का मार्ग खुल जाएगा। ठीक है। वेताल। महाराज। वेताल, मुझे दूसरा दंड भी मिल चुका है,
अब तीसरे के लिए पाताल लोक जाना होगा। तो चलिए महाराज, मैं आपको पाताल लोक ले चलता हूँ। नहीं वेताल, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा। जय मां हर सिद्धि। जय मां हर सिद्धि। अपने मुक्ति चाहते हो ना? तो फिर पाताल लोक चली जाओ। विक्रम दो दंड प्राप्त करके पाताल लोक में तीसरे के लिए आगे बढ़ रहा है। तुम उसे अपने मोहपास में डालकर दोनों दंड उससे छीन लो। जो आज्ञा करो देव। जाओ। बार सुंदर सुंदर मुखड़ा जैसे सपना।
तन मन महकाया है, कस्तूरी काया है, तन मन महकाया है, तुम में वो पाया है जो हमने सोचा, तुमसे ही होना था प्यार, तुम्हीं से हो गया। कौन हो तुम? ये दंड मुझे दो। नहीं सुंदरी आओ। महाराज महाराज उठिए। सुंदरी महाराज उठिए। कौन? मैं वैताल हूँ महाराज। कौन वैताल? महाराज मैं जाओ यहाँ से। महाराज मुझे गले लगा लो। अब तुम्हारी महाराज कभी होश में नहीं आएंगी। ये दंड मुझे दो ताकि मैं कापाले की मंत्र शक्ति से मुक्त हो जाऊं। सुंदरी कापालिक दुष्ट शक्तियों का उपासक है, जबकि महाराज विक्रम का काम है दूसरों के दुख मिटाना। एक तरफ बुराई है और दूसरी तरफ भलाई है। सुंदरी मैं विनती करता हूँ कि लोगों की भलाई करने वाले विक्रम को अपने मोहपाश से मुक्ति दे दो। तुम कापालिक की शक्ति को नहीं जानते। यदि मैं महाराज विक्रम को मुक्त कर दूंगी तो कापालिक मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की खुशियां न छीनो सुंदरी। महाराज विक्रम को अपने माया जाल से मुक्त कर दो ताकि वो दुखी मानवता के आंसू पहुंच सके। इन्हें बहकाने का भयानक पाप न करो सुंदरी, मान जाओ। मुक्त कर दो इन्हें, मुक्त कर दो। तुम ठीक कहती हो बेताल, मैं अपने स्वार्थ के लिए लाखों दुखियों के तारनहार को नहीं बहकाऊंगी। महाराज महाराज तुम कहाँ चले गए थे? आपके होश के साथ मैं भी गुम हो गया था, लेकिन अब लौट आया हूँ। ये लीजिए और चलिए। कापालिक, सुंदरी ने विक्रम को अपने मोहपाश से छोड़ दिया। यहाँ भी तेरी चाल सफल नहीं हुई और विक्रम अब तीसरा दंड भी हासिल करके रहेगा। गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा लगता है कि विक्रम अपने काम में सफल हो जाएगा। विक्रम, विक्रम की सारी सफलताओं का कारण मीनाक्षी और महानंदा है। जाओ दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दो। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे देवदमनी। महाराज वो देखिए, उस देवदमनी के पास तीसरा दंड है, लेकिन महाराज इस ज्वाला कुंड में से आप। तुम इसकी चिंता न करो वेताल, जैसे भी हो मैं वो तीसरा दंड लेकर ही रहूंगा। जय महासिद्धि। संभाल के जाइए महाराज। हाँ महाराज उस तरफ। जय महासिद्धि। जय महासिद्धि। जय महासिद्धि। जय महासिद्धि। जय माँ हर सिद्धि। जय माँ हर सिद्धि। धन्य हो विक्रम, तुमने मुझे कापाली के बंधन से मुक्त करा दिया। अब मुझे चौथे दंड तक पहुंचने का रास्ता बताओ। उसके लिए तुम्हें आकाश महल जाना होगा। कैसे?
पाताल लोक के बाहर एक सफेद घोड़ा मिलेगा। वो घोड़ा तुम्हें आकाश महल पहुंचाएगा, लेकिन उस पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं बैठ सकेगा। ठीक है। आ गए महाराज। वेताल जी, अब मुझे चौथे दंड के लिए आकाश महल पहुंचना होगा। आकाश महल? उड़ने वाला घोड़ा मुझे वहां ले जाएगा। मैं लौटू तब तुम मुझे मिलना। जैसी आज्ञा महाराज। राजा विक्रम की जय हो। तीन दंड प्राप्त करके आपने अपनी वीरता सिद्ध कर दी है महाराज। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। ये लीजिए चौथा दंड। पाले के इस अंतिम दूत को समाप्त करके आपने मेरा उद्धार किया। ये लीजिए चौथा दंड। पांचवा दंड कपाली के पास है। सकराज गुरुदेव, विक्रम का सर कुचलने से पहले इन दोनों को समाप्त करना होगा। विक्रम ने हमारे विरुद्ध विद्रोह की आग फैलाई और इस आग को इन दोनों ने हवा दी। इन दोनों को बांध कर जला डालो ताकि हमारे कलेजी की आग ठंडी हो। जाओ, ले जाओ इन दोनों को, बांध दो वहां और इनके लिए चिता सजाओ। जाओ ले जाओ, जाओ। कापाली, सच्चाई के लिए जीवन का बलिदान दे देंगे हम, लेकिन तेरे पाप का घड़ा उससे पहले फूट कर ही रहेगा। चुप रहे विद्रोहिणी। महाराज, विक्रम महाराज। स्वामी। अच्छा हुआ, आने दो। अब विक्रम खूब फंसा है। शकराज जी गुरुदेव, इन लड़कियों को चिता पर देखकर विक्रम को चारों दंड हमें लौटाने ही होंगे। विक्रम अगर इनको जीवित देखना चाहता है तो चारों दंड दे दे इसे समय। कापालिक,
तेरी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। भलाई इसी में है कि पांचवा दंड मुझे दे दे, तेरा जीवन बच जाएगा। विक्रम, तो तू यू नहीं मानेगा। शकराज, जय गुरुदेव, जला दो इन लड़कियों को। ठहरो, ये लो दंड। नहीं महाराज, इस दुष्ट को चार दंड मत दीजिएगा, वरना इस धरती पर फिर से पाप का अंधेरा छा जाएगा। नहीं स्वामी, हम दोनों का जीवन प्रजा के सुख से ज्यादा कीमती नहीं है, हमें जल जाने दीजिए, उसे दंड मत दीजिएगा। विक्रम, दंड मुझे दे दो वरना बहुत पछताऊंगा। नहीं महाराज। कापालिक, अब तेरा ये जादू नहीं चलेगा। छीन लीजिए पांच। महाराजा विक्रम की जय। पर दुख भंजन विक्रम, तुमने अपना वचन निभाया, दुखियों के दुख दूर किए और ये सिंहासन पाया। अमर हो गया नाम चक्रवर्ती महाराज के, महान नर विक्रम याद तुम्हें इतिहास करेगा। हे महान नर विक्रम, पर दुख भंजन विक्रम। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए,
मेरा कार्य पूर्ण हुआ महाराज। वैताल, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले विक्रम का साथ देकर तुमने अपने आप को अमर बना लिया है। विक्रम और वैताल, इन दोनों को सदा साथ साथ याद किया जाएगा। विक्रम वेताल की जय।